नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर गोल्स, एक कदम सफलता की ओर जो आपको ले जाएगा आपकी मंजिल की ओर। जैसा कि हर कदम पर आपको आपके लिए मैं आपके साथ खड़ा हूँ, है ना, वैसे ही आपके हर एक स्टेप पर फिजिक्स की क्लासेस आपको डेली मिलती रहेंगी। मॉडल पेपर का GS सेक्शन आपको कल से मिलने लगेगा, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं एग्जाम में वो भी आपको कल से मिलने लगेंगे, जैसा कि मैंने कहा था 1 तारीख से, है ना। और बाकी के मॉडल पेपर रेडी हो रहे हैं धीरे धीरे करके, वो भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आप लोगों को सिर्फ ये करना है कि मैराथन्स देखते रहने हैं और उनके नोट्स बनाते रहने हैं और एक क्लास 2-3 बार देखना है। इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में वो फॉर्मूले सेट हो जाएंगे, एज इट इज वो फॉर्मूले आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे और आप उसे आसानी से कर सकते हो। हिस्ट्री का भी मैराथन जल्दी आपको मिल जाएगा, जियोग्राफी का एक मैराथन अपलोड हो चुका है, आप उसको देखिए GIC का, और जो भी मैराथन है मॉडल पेपर है वो सब आपको मिल जाएंगे, आपको परेशान होने कोई जरूरत नहीं है। लेखपाल का बैच भी बहुत ही जल्द हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, सब कुछ आपको फ्री मिलेगा, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और लेखपाल जो बैच है इस बार मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल देने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे GIC के बारे में। GIC में जो क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं मैं सिर्फ और सिर्फ वही बताऊंगा। आज की क्लास से छोटी सी क्लास होगी और उस क्लास में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है ना। और हो सकता है इससे ज़्यादा भी क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने पेपर देखा उसके हिसाब से ये ऐसा ही रहेगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन, कुछ बेसिक से फॉर्मूले बताऊंगा एक्स्ट्रा में जो आपको याद रखने हैं, जो आपके एग्जाम में इम्पॉर्टेंट है और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेंगे, आपको उनको भी याद रखना है। रिलेटिव मोशन में फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस का क्वेश्चन बनता है, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दो रेफरेंस ले करके आप ऑब्जेक्ट को एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के लिए आपको मास का सबसे अच्छा एग्जाम्पल रहता है m इज इक्वल एम नॉट बाई 1/v² / c² √ में। तो इस वाले फॉर्मूले से ही स्टार्ट करते हैं। यहां पर m हो गया ये आपका, m नॉट हो गया आपका रेस्ट मास है, 1 - v² / c² ये हो गया आपका रूट में, ठीक है ना, ये मास का हो गया। अगर हम इसी फॉर्मूले को कुछ इस तरह से ड्राइव करना चाहें तो t इज इक्वल टी नॉट 1 - v² / c² ये भी एक फॉर्मूला हो गया जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये जो दो क्वेश्चंस हैं इसके क्वेश्चंस कैसे हैं मैं आपको वो पढ़ के बताता हूँ, तब आपको बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर होगा। जैसे ये जो रिलेटिव मास वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन होगा जो मैंने आपके लिए लिख रखा है, मॉडल पेपर में डाल भी दिया है, ठीक है ना। तो मैं वहाँ पर आपको समझाऊंगा, फिर भी मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूँ, जो UPSC प्री में 2006 में आया था, ठीक है, और 2003 में भी, 2019 में पहले भी एक बार आया था। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ रिलेटिव पार्टिकल विथ रेस्ट मास एम नॉट एंड वेलोसिटी वी इज गिवन बाय, फॉर्मूला पूछा है एज इट इज। भैया फॉर्मूला सिर्फ ऊपर छाप दीजिए। अब यहां पर कभी कभी ये प्रॉब्लम हो जाती है कि यहां पर पूछा है मोमेंटम, मोमेंटम पूछा है, पर ये तो आपके पास मास है तो आपको मोमेंटम का तो फॉर्मूला पता ही होगा। तो मोमेंटम आपका हो जाएगा पी इज इक्वल एम सी ओनली। तो यहां पर अगर हम इसको ड्राइव करेंगे तो हो जाएगा एम नॉट सी बाई 1 - v² / c² √ में। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा मोमेंटम का, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ऐसे करके अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि ओमेगा बताइए कितना हो गया रिलेटिव ओमेगा के लिए, तो आप ओमेगा के लिए क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आपको ये याद रखना है ओमेगा के लिए ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2π/T, 2π/T होता है। अगर हम इस टी को इधर लेके आएंगे तो 2π/ओमेगा हो जाएगा। अगर इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करना चाहें तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा हमारा ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा 1 by ओमेगा इज इक्वल 1 by ओमेगा नॉट रूट में 1 - v² / c² समझ में आया कुछ मतलब। अगर इस फॉर्मूले को हम इस हिसाब से ना प्रूफ करके कुछ इस तरह से लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से आपको, ठीक है।
अगर अब हम इस फॉर्मूले को इसके अकॉर्डिंग देखना चाहें तो कैसा। अब इसका क्वेश्चन भी देख लीजिए, इसका भी क्वेश्चन एक आया था, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। हाँ, वो क्वेश्चन ये है, द प्रॉपर मीन टाइम ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 10 to power 2 सेकेंड। ठीक है, इफ द अल्फा पार्टिकल इज ट्रेवलिंग विथ आ स्पीड 10 to power 3, इट्स मीन लाइफ वुड बी। ये क्वेश्चन क्या है, अल्फा पार्टिकल की उचित माध्य आयु 10 to power 2 है। सेकंड है, यदि अल्फा पार्टिकल की गति 10 to power 3 मीटर पर सेकंड है तो माध्य आयु का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो मीन वैल्यू दी हुई है वो आपकी टी नॉट है। ठीक है, वेलोसिटी आपको दी हुई है सी की रिस्पेक्ट में, वो आपको यहाँ पे सेट करना है और इस टी की वैल्यू आपको बतानी है। आप आसानी से कर सकते हो, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चंस में एग्जाम मतलब मॉडल पेपर में डाल दूंगा, वो सब आपको मिलने लगेगा, आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। ओके, मैं उम्मीद करूंगा कि कल आपको एक मॉडल पेपर में प्रोवाइड करा दूं जिसमें 20 या 30 क्वेश्चंस होंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, और उसे मैं सॉल्व भी करा दूंगा। आप मुझे कमेंट में ये बताइएगा कि आपको क्वेश्चन पेपर लाइव चाहिए या फिर मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको भेज दूँ। ठीक है, जैसा आप बताओगे वैसा आपको मिल जाएगा। अब इसमें आपको एक क्वेश्चन मैं और बताता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, टाइम का ही है। हाँ, टाइम का है, द टाइम ऑफ अ इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग ऑफ हाफ ऑफ द स्पीड टाइम इज। ठीक है, ये एक क्वेश्चन बेसिक सा दिया हुआ है, ये आपको याद रखना है। अब हम लेंथ की तरफ चलते हैं, तो लेंथ हो गया हमारा एल इज इक्वल एल नॉट 1 माइनस v² बाई c², ये हमारा लॉरेंट्ज़ इक्वेशन है। ठीक है, एल इज इक्वल एल नॉट, इसी की जगह पर हम लिख सकते हैं वी इज इक्वल v नॉट रूट में 1 माइनस v² बाई c², ये वॉल्यूम के लिए दिया हुआ है। ठीक है, मैं दोनों के क्वेश्चंस आपको बताता हूँ, बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ चुके हैं, एग्जाम में आ चुके हैं। तो लेंथ के लिए नहीं, मैं आपको पहले बताता हूँ आपका फॉर्मूला एक क्यूब के लिए, मीन्स इसके इस फॉर्मूले के। अगर इस फॉर्मूले को हम कन्वर्ट करना चाहें तो कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा एल इज इक्वल एल नॉट, ये क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर क्यूब हो जाएगा रूट में 1 माइनस v² बाई c². अब क्वेश्चन सुनिए, जो क्वेश्चन 2008 में आया था वो क्वेश्चन क्या था, ये था। ठीक है, क्वेश्चन ये था, अ क्यूब इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी वी अलॉन्ग वन ऑफ द इट्स एज इफ एल नॉट बी द प्रॉपर लेंथ ऑफ द एज ईच एज द वॉल्यूम ऑफ द मूविंग क्यूब वुड बी। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, कोई घन अपने किसी एक किनारे से वी वेग से खिसक रही है, यदि एल नॉट प्रत्येक किनारे की लंबाई है तो घन का आयतन होगा। 2008 में क्वेश्चन ये आया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर इसका एज इट इज ये वाला हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसके आगे एक क्वेश्चन और बढ़िया सा बनता है, वो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ एनर्जी का। इसी से एनर्जी का फॉर्म निकालते हैं, वो एनर्जी का फॉर्म आपका क्वेश्चन है, एक अल्फा पार्टिकल की एनर्जी का इक्वेशन क्या हो जाएगा ये पूछा जाएगा, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। हाँ, तो पहले आप एनर्जी समझ लीजिए एनर्जी, फिर मैं रिलेटिव एनर्जी बताऊंगा। ई इज इक्वल m c² होता है, अगर इसको हम चेंज करेंगे तो जाएगा m0 c² बाई 1 माइनस v² बाई c² रूट में, ये एक बेसिक फॉर्मूला है आपको याद होगा। ठीक है, दूसरा है रिलेटिव एनर्जी, रिलेटिव एनर्जी ये हो जाएगा ई इज इक्वल m c² माइनस m0 c², यहां पर m0 रेस्ट मास है, तो ये हो जाएगा m0 c² बाई 1 माइनस v² बाई c² रूट में माइनस का m0 c², ये आपका टोटल का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे बेसिक बेसिक से फॉर्मूले आपके एग्जाम में पूछे गए हैं जो आपको याद रखना है, और मैं इसी के फॉर्मूले को याद में रखते हुए एक फॉर्मूला टॉर्क का बताता हूँ जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये
टॉर्क 2L, ये आपको फॉर्मूला याद होगा, ठीक है। इसी की तरह एक और फॉर्मूला है प्रेशर का, ठीक है, उसमें भी पजली फॉर्मूला था, पाई ईटा पी आर फोर बाई 8L, शायद यही था, आप चेक कर लीजिएगा क्यों था ये पजली फार्मूला। ये एक फार्मूला था, आपको ये भी एक फार्मूला याद रखना है। कुछ मैं और दो तीन फार्मूले बताता हूँ जिनसे क्वेश्चंस आने के फुल चांस हैं, आपको ये याद रखना है, y इज इक्वल टू ईटा वन प्लस सिग्मा, इस वाले फार्मूले से ज़रूर ज़रूर क्वेश्चंस आएंगे, आपको ये याद रखना है, y बाई थ्री बीटा वन माइनस टू सिग्मा, यहाँ से भी ये क्वेश्चन आने का चांस है भैया बहुत ज़्यादा। ये सब क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे, बीटा एन थ्री बी प्लस ईटा, ये तीन फॉर्मूलों से एक क्वेश्चन कन्फर्म आएगा आपका, ये आप याद रखिए। बाकी इसमें से एक क्वेश्चन कन्फर्म आएगा आपका, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ से कन्फर्म आएगा, तीन क्वेश्चन, और इसमें से एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, ये भी आप याद रखिए, ठीक है। अब लॉरेंट्स इक्वेशन में बता देता हूँ आपको, एक्स इज इक्वल एक्स डैश माइनस वी टी बाई वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, आपको ये याद रखना है, जितने भी फॉर्मूले दिए हैं उन सभी फॉर्मूलों में वन बाई वी स्क्वायर सी स्क्वायर ज़रूर आएगा। अच्छा, अब इसमें एक और अच्छा आपका बढ़िया सा इक्वेशन है कि एक इक्वेशन बतानी है आपको, एक इक्वेशन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसी में आ जानी चाहिए इक्वेशन, इस वाले गोले में लिखता हूँ, ठीक है। वो क्वेश्चन पहले सुन लीजिए क्या है, द रिलेशन बिटवीन द रिलेटिस्टिक मोमेंटम P एंड एनर्जी E ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ रेस्ट मास m नॉट इज, मतलब इसका इक्वेशन बताना है कि कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा E इज इक्वल पी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस m नॉट सी फोर, यही तो होगा m नॉट स्क्वायर, हाँ ये होगा, ठीक है, m नॉट स्क्वायर। ये इतने इक्वेशंस में से आप ये याद रखिए कि कन्फर्म एक क्वेश्चन आना ही आना है, इसमें से एक क्वेश्चन, इसमें का एक क्वेश्चन, इसमें का एक क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, एक इसमें से क्वेश्चन ज़रूर ज़रूर आएगा। टोटल मिला के आपके चार क्वेश्चन मैं अभी लिख के दे रहा हूँ कि आप इनको पढ़ लीजिए, इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर ज़रूर आएगा आपके एग्ज़ाम में। बाकी कल जो आपको छोटा सा वीडियो उसका भी मिलेगा, जो छोटा सा वीडियो ये मिला है, वैसे ही आपको छोटा सा एक और वीडियो मिलेगा, वो वीडियो होगा इफ़ेक्ट्स पे लेकर के, जो रूल्स साइंटिस्ट ने दिए हैं, हमारे रिसर्चर्स ने दिए हैं हमको, जैसे मान लीजिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, जीमेन इफेक्ट हो गया, पैजो इफेक्ट हो गया, या रमन इफेक्ट हो गया, या रेले इफेक्ट हो गया, इन सभी इफेक्ट्स का आपको एक सुंदर सा वीडियो मिलेगा, उस सुंदर से वीडियो को आप देखिएगा, इन्जॉय करिएगा, और उसमें से भी कम से कम दो या तीन क्वेश्चन आएंगे। आप ये समझ लीजिए जितनी मैंने क्लासेस दी हैं उन क्लासेस में से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा, मैं इसकी गारंटी दे रहा हूँ। आपको सिर्फ क्या करना है, हमारे साथ बने रहना है, और कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज जो मैंने पढ़ाया है इसकी PDF अभी डलवाए दे रहा हूँ टेलीग्राम पर, आप वहाँ जा करके उसे ले लीजिएगा, ठीक है। दूसरा ये है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए यार, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। क्या चल रहा है आजकल, आजकल तो आपका शेयर ना लाइक ना शेयर कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ बच्चे हैं बस कमेंट करते हैं। एक बच्चा से मेरा है हाय वाला, वो हाय वाला बच्चा तो मुझे आज तक, उसने तो अपना नाम ही नहीं लिखा। एक बच्चा और है कोई ऋतु चारू करके ऐसे करके, वो ज़रूर कमेंट करता है। एक बच्चा है ऑल इन वन करके, ये सभी बच्चे तो कमेंट करते हैं, बाकी लोग भी कमेंट करिए, मतलब क्या बताएं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना प्यार ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिए, जो भी अच्छा लगे, अच्छा बुरा जो भी है वो सब लिखिए इसमें और डालिए, और मुझे बताइए पसंद आया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।